गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन अवर एसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास फर्स्ट के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे जो कि आपकी नंदिनी की हिंदी पाठ्य पुस्तक है। उसमें से बच्चों हमने पिछली क्लास में कौन सा चैप्टर पढ़ा था? हाँ, ई की मात्रा अपन पढ़ रहे थे, जिसमें ये वाला काम अपन ने कर लिया था, है ना। आज अपन यहां से पढ़ेंगे, पढ़ो और समझो। गीता मीठी लीची लाई, महारानी तारावती राजधानी दीपावली की मिठाई लाई, शीतल नारियल पानी पी, चमकीली तितली मनमानी मत कर, नानी कीमती हीरा लाई, मछली नगीना निगल गई, भाभी पनीर की तरकारी बना, चाची जी दादी जी की घड़ी लाई। तो इसमें क्या है, इसमें बड़ी की मात्रा, क्योंकि अपन बड़ी की मात्रा पढ़ रहे हैं, है ना। अपन क्या पढ़ रहे हैं, बड़ी की मात्रा। तो बड़ी की मात्रा अपन ने ये वाला पेपर पढ़ लिया था। बड़ी की मात्रा कैसे होती है, शब्द के पीछे लगती है, है ना। तो देखो यहाँ पे जो हमने ये वाली पूरी वाक्य पढ़े हैं, ये वाली पूरी लाइन पढ़ी है, तो इसमें देखो आपको लाल लाल रंग में जो मात्राएं दिखाई दे रही है वही बड़ी की मात्रा है। गीता, गीता में ग के पीछे, मीठी, मीठी में म और ठ दोनों के पीछे, लीची, लीची में ल और च दोनों के पीछे, लाई, लाई बड़ी लिखी हुई है, महारानी, रानी न के पीछे, तारावती त के पीछे, राजधानी न के पीछे, आई बड़ी की मात्रा न के पीछे लगी हुई, और यहाँ पे आ के बाद में बड़ी खुद लिखा हुआ है ना। दीपावली, दीपावली द के पीछे और ल के पीछे किसकी मात्रा है, बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है। की क के पीछे, मिठाई, मिठाई लाई, तो कौन सी ई है ये, बड़ी, क्योंकि इसके ऊपर मात्रा लगी हुई है। शीतल, शीतल तो स के पीछे बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है। नारियल पानी पी तो न के पीछे बड़ी की मात्रा का प्रयोग है, पी प के पीछे। चमकीली, चमकीली क और ल के पीछे। तितली, ल के पीछे। मनमानी न के पीछे, मत कर। नानी न के पीछे। कीमती क और त दोनों के पीछे। हीरा लाई ह और ह के पीछे किसकी मात्रा है, हीरा, अ के पीछे बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है। लाई, लाई मछली, ल के पीछे। नगीना, ग के पीछे निगल गई। भाभी पनीर की तरकारी बना, भाभी पनीर की तरकारी बना, इसमें भाभी में भ के पीछे, पनीर में न के पीछे, क के पीछे, तरकारी में र के पीछे किसकी मात्रा का प्रयोग हुआ है, बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है। चाची, च के पीछे जी, ज के पीछे दादी, दादाजी, ज के पीछे की, क के पीछे घड़ी, ड के पीछे लाई, लाई, ला के बाद में क्या लिखा हुआ है, बड़ी की मात्रा। तो बच्चों यहाँ पे देखो एक आपके कविता लिखी हुई है, गाओ गुनगुनाओ, तो मैं भी गाऊंगी, आप भी मेरे साथ गाना। इधर उधर उड़ती है तितली, जगमग जगमग करती तितली, कभी हाथ न आती तितली, उड़ती मन को हरती तितली, मीठा मीठा रस यह पीती, कभी न पीती पानी, दादी कहती बड़ी सयानी, तितली रानी, तितली रानी।
तो कैसी लगी आपको ये कविता, एक बार वापिस बोलते हैं, गाओ गुनगुनाओ। इधर उधर उड़ती है तितली, जगमग जगमग करती तितली, कभी हाथ न आती तितली, उड़ती मन को हरती तितली, मीठी मीठा मीठा रस यह पीती, कभी न पीती पानी, दादी कहती बड़ी सयानी, तितली रानी तितली रानी। तो बच्चों ये आपकी कविता लिखी हुई है, लेकिन 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 इसके अंदर जो लाल लाल रंग में आपको मात्राएं दिखाई दे रही हैं, वो कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा। इधर उधर उड़ती, उड़ती में त के पीछे, तितली तितली में देखो, तितली में त के आगे जो हम है वो तो छोटी की मात्रा है, लेकिन ल के पीछे कौन सी है, बड़ी की। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि छोटी की मात्रा अक्षर के आगे लगती है और बड़ी की मात्रा अक्षर के पीछे लगती है, तो आपको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी, फिर जाके आपको छोटी और बड़ी की मात्राओं का ज्ञान होगा। नहीं तो आप छोटी बड़ी में कंफ्यूज होते रहोगे कि कौन सी मात्रा छोटी है और कौन सी मात्रा बड़ी है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो पीछे लगती है वह बड़ी की मात्रा होती है। जैसे देखो तितली, तो तितली में, तितली शब्द में छोटी की मात्रा भी है और बड़ी की मात्रा भी है। तो छोटी की मात्रा किसके आगे लगी हुई है, देखो त के आगे है ना, और बड़ी की मात्रा किसके है, ल के पीछे। तो देखो बच्चों तितली में त के आगे छोटी है और ल के पीछे बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है। जगमग जगमग करती तितली, करती में त के पीछे और तितली में वापिस वही छोटी की और बड़ी की दोनों की मात्राएं हैं। कभी में भ के पीछे, आती में त के पीछे, उड़ती में त के पीछे, हरती में त के पीछे, मीठा मीठा में म म म दोनों म के पीछे, पीती में प और त दोनों के पीछे किसकी मात्रा है, बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है। कभी में भ के पीछे, पीती में प और त दोनों के पीछे, पानी में न के पीछे, दादी में द के पीछे, कहती में त के पीछे, बड़ी में ड के पीछे, सयानी में न के पीछे, रानी में न के पीछे, तितली में ल के पीछे, रानी में न के पीछे। तो ये सब क्या है, ये सब है बड़ी की मात्रा। तो बच्चों आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब अपन करते हैं आज का होमवर्क। तो देखिए बच्चों आज का आपका यह होमवर्क है, चित्र के नाम पर सही का निशान लगाओ। तो देखो चित्र है घड़ी का, इन दोनों में से घड़ी कौन सी, क्या कहाँ लिखा हुआ है, पहले वाला घड़ी, दूसरे वाला छड़ी। तो घड़ी, तो ये घड़ी के आगे निशान लगाना है। यहाँ पे देखो दीपक, ये किसका चित्र है, दीपक का। तो दीपक कहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले में, तो दीपक के ऊपर निशान लगा दिया। ये देखो ये चील का फोटो है, तो इन दोनों में चील कहाँ लिखा हुआ है, तो पहला वाला ही चील है, तो पहले वाले पे निशान लगा दिया। इन दोनों में देखो कौन सा है फोटो, तीर, तो त का है, तो अपने तीर के आगे निशान लगा दिया। ये मछली का फोटो है, इन दोनों में मछली कहाँ लिखा हुआ है, नीचे वाला मछली है, मछली, तो मछली के आगे निशान लगा दिया। या भी ये किसका फोटो है, देखो हाथी का, तो इन दोनों में हाथी कहाँ लिखा हुआ है, ये तो रानी है, तो ये रहा हाथी, तो हाथी के आगे वाला बॉक्स है उसके आगे निशान लगा दिया। तो आपको पहला ऐसे करना है, आपको फोटो नहीं बनानी है, आपको सिर्फ नाम लिखना है, घड़ी छड़ी तीर नीर दीवार मछली दीपक दीमक चील झील रानी हाथी, और जो राइट के निशान लगे हुए हैं उसके आगे आपको राइट का निशान लगाना है। वर्ण और मात्रा जोड़कर शब्द लिखिए, ग धन ई की मात्रा धन त धन आ की मात्रा गीता, ल धन ई की मात्रा धन च धन ई की मात्रा लीची, प धन ई की मात्रा धन त धन आ की मात्रा पपीता, म धन ई की मात्रा धन ठ धन आ की मात्रा मीठा, घ धन ड धन ई की मात्रा घड़ी, न धन घ धन ई की मात्रा धन न धन आ की मात्रा नगीना,
तो आपको ये वाला भी ऐसे ही करना है जैसे बुक में दिया हुआ है, ये सारे लिखने पड़ेंगे। चित्र देकर वाक्य पूरे कीजिए। मीना किताब उधर रख, दादी आम लाई, चाचा जी लीची खाकर जाइए, बबली तितली इधर रख। तो आपका ये भी चैप्टर हो गया है कंप्लीट, चैप्टर नंबर 5। तो बच्चों आपका आज का होमवर्क ये पूरा है। तो आपको अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में अपना काम अपनी नोटबुक में करना है और फिर स्कूल आके आपको अपनी नोटबुक चेक करवानी है। ठीक है बच्चों, तो आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों के तीनों जैसे किए हुए हैं वैसे आपको करने हैं। और चित्र आपसे नहीं बन रहे तो कोई बात नहीं, चित्र मत बनाना, बस आप ये सारे वाक्य जितने भी शब्द लिखे हुए आपको अपनी नोटबुक में लिखने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।